एंड देन स्पेशल लेक्चर ऑन कलर्स. ओके एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन द डेट 18 10 24. ट्वेंटी नेम धीरज वशिष्ठ. लाइट कंटिन्यूड टॉपिक इज लेंसेस. प्लीज राइट डाउन दिस मच. एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन एंड ऑन द टेबल देयर शुड बी नोटबुक पेन नथिंग एल्स. ओके बेटे, लेट्स टॉक अबाउट यूटिलिटी या यूजेस ऑफ लेंसेस. बेटे फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो. मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, टेली स्कोप. ये वर्ड दो वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है, टेली प्लस स्कोप. स्कोप मीन्स इंस्ट्रूमेंट टू व्यू, इंस्ट्रूमेंट टू व्यू टू सी. टेली मीन्स फार सिचुएशन. ध्यान से सुनो, शाबाश. ये एक बच्चा है और इसके मन में आया कि मैंने ये जो दूर दूर स्टार्स लगे हुए हैं आसमान में और ये मून है, इसका ब्राइट इमेज देखना चाहता हूं मैं, ब्राइट. तो इसके पापा एक इसको इंस्ट्रूमेंट लॉकर देते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट को पकड़ता है और स्टार्स को बहुत ही अच्छी तरह से देख पाता है. ये पर्टिकुलर बच्चा स्टार्स को फोकस करके, ब्राइट करके उनका बड़ा इमेज देख पाता है. और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसके अंदर एक पाइप और दूसरी पाइप आपस में स्लाइड कर सकती, ऐसे स्लाइड कर सकती. और इनके किनारों के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट के लेंसेज लगे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज का मिक्सचर लगा होता है. इस इंस्ट्रूमेंट ने इस चाइल्ड की मदद करी दूर की चीजों को क्लियरली देखने से, देखने के लिए. तो इसका मतलब टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ जो लेंसेज की मदद से बना होता है और ये दूर की चीजें देखने में मदद करता है ताकि दूर की चीजों का ब्राइट इमेज देखा जा सके, जैसे कि स्टार्स, जैसे कि मून, जैसे कि क्लाउड्स, जैसे कि काइट, जैसे कि बर्ड, जैसे कि प्लेन. जो भी दूर की चीजें हैं अगर उनको मैं ब्राइट करके देखना चाहता हूं तो मेरे को एक पाइप में दूसरी पाइप का स्लाइड करने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसके किनारों पर लेंसेस लगे होते हैं उनको यूज करना पड़ता है. बहुत से जो टूरिस्ट जाते हैं ना अपने मम्मा पापा के साथ, बच्चे घूमने जाते हैं तो अच्छी अच्छी हिल्स को देखने के लिए भी वो टेलीस्कोप ले लेते हैं, उनके ऐसे गले में लटकी रहती है टूरिस्ट के, राइट. तो सभी बच्चे लिखेंगे लेंसेज आर यूज्ड टू मेक द इंस्ट्रूमेंट
टेलीस्कोप, लेंसेज आर यूज टू मेक द इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप। सेकेंड पॉइंट बच्चे, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप, आई वुड लाइक टू टेल दैट माइक्रोस्कोप वर्ड इज मेड फ्रॉम टू एक अपना वर्ड्स बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स, एक्स भी एक्स है कहिएगा इंटेल वन इज माइक्रोन का एंड अदर इज स्कोप। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है, 10^-6 मीटर, बहुत छोटा होता है बेटे। इसका मीनिंग पता है क्या होता है माइक्रोन का? अगर आपने 1 मीटर का डिस्टेंस लेना हो, लगभग यहां तक 1 मीटर होता है, और 1 मीटर को कितने कितने से डिवाइड करना है, अच्छा 1, 2, 3, 6 जीरोस, देखो नेगेटिव लगा हुआ है, 4, 5, 6। 1 मीटर के डिस्टेंस को 10 लाख से डिवाइड करना है, 1 मीटर के डिस्टेंस को 10 लाख से। ये इतना छोटा हो जाएगा बेटे कि आपको नेकड आई से दिखेगा ही नहीं। हमारी लाइफ में हमें बहुत से बैक्टीरिया या वायरसेस को देखना पड़ता है। जब हम बायो की स्टडी करते हैं तो इतने महीन जीव होते हैं जो हमारे को नेकेड आई से दिखते ही नहीं। तब हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप भी किसका बना होता है? लेंसेज का, कंसिस्ट ऑफ लेंसेज। ये माइक्रोस्कोप वो इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इतने छोटे बैक्टीरिया या वायरसेस का व्यू मैग्नीफाई करके काफी गुना बड़ा करके हमें दिखा देता है। ऐसे देखना पड़ता है, आपकी लेबोरेटरी में पड़ी हुई होगी, आप जाकर देख सकते हो। माइक्रोस्कोप तो जरूर होगी, टेलीस्कोप हो या ना हो आई एम नॉट श्योर, बट माइक्रोस्कोप आई एम डेड श्योर हर स्कूल में होती है, लैब में। ओके, तो ये माइक्रोस्कोप लिख लो। सेकेंड पॉइंट, लेंसेज आर यूज टू मेक दी माइक्रोस्कोप। और वैसे माइक्रोस्कोप का काम क्या बताया टीचर ने? वायरसेस और बैक्टीरिया जो नेकेड आई को नहीं दिखाई देते, उनका मैग्नीफाइड व्यू, बहुत बड़ा व्यू करके हमें दिखा सकता है। कोई बच्चा कहता है सर आप कुछ आइडिया दे सकते हो? यस, अगर आइडिया पूछना चाहते हो, मान लो आपने बॉल पेन की टिप ले ली और कागज के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया, बहुत छोटा सा डॉट लगेगा, लेकिन जब इसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखो तो यही डॉट आपको इतना बड़ा दिखेगा जितना एक बकेट का बॉटम होता है, एक बाल्टी का जो बॉटम होता है उतना बड़ा दिखेगा। व्हेन यू विल सी दिस डॉट, पेंसिल डॉट पुट ऑन द पेपर थ्रू द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में देखोगे। और वो माइक्रोस्कोप जो इतना इंपॉर्टेंट काम कर सकती है, खुद किसकी बनी होती है बेटे? लेंसेज की, ठीक है? और क्या यूजेस हो सकते हैं लेंसेज के? आपको पता है बहुत से लोगों की नजर जो आंख होती है कमजोर हो जाती है, तो उनकी आंख में जो कुदरत ने लेंस डाला होता है, वो लेंस जब खराब हो जाता है उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, तब उनको क्लियर दिखने लग जाता है। हालांकि उस आर्टिफिशियल लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी बढ़िया नहीं होती जितनी कुदरत के लेंस की है, पर फिर भी ब्लाइंड होने के मुकाबले कुछ हद तक अच्छा दिखना अच्छा रहता है बुजुर्गों के लिए। तो आप लिखोगे लेंसेज आर यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल आई, लेंसेज आर यूज टू मेक आर्टिफिशियल आई फॉर
फॉर एजर्ड पीपल, जो लोग 80 इयर्स या 80 इयर्स से ऊपर चले जाते हैं उनको धुंधला दिखने लग जाता है, उनको ये उनकी आंख का लेंस खराब हो जाता है, कई बार कॉर्निया करके एक डिजीज हो जाती है उनको, उस आंख में नेचुरल आई लेंस निकाल के उसकी जगह हम लेंसेज यूज करते हैं। आप लिख लो आर्टिफिशियल आई कंसिस्ट ऑफ लेंसेज, आर्टिफिशियल आई आल्सो कंसिस्ट ऑफ लेंसेज बेटे, करेक्ट। इसके बिना बेटे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, शाबाश, आपको पता होना चाहिए कुछ लोगों की दूर की नजर कमजोर हो जाती है, पास का ठीक दिखता है, दूर की नजर। अगर आपकी क्लास में कोई स्पेक्स वाला बच्चा, आप उससे पूछ सकते हो, यूजुअली स्टूडेंट्स की दूर की नजर कमजोर हो जाती है, पास की ठीक रहती है यूजुअली। तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे, आंख की मायोपिया। ये मायोपिया को अब हमने ठीक करना है, कैसे करना है, जैसे मैंने ये आई ग्लासेस लगा रखे हैं, स्पेक्टिकल्स, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस भी बोल देते हैं आप इसको। ये स्पेक्टिकल्स जो लगती हैं, इसके अंदर ये जो कांच लगा होता है ना बेटे, ये नॉर्मल प्लेन मिरर, नॉर्मल प्लेन ग्लास नहीं होते, ये कॉनकेव लेंसेज होते हैं। अगर मायोपिया वाले बंदे को धुंधला दिखता है, दूर की चीजें धुंधले दिखती हैं, पर वो ही बंदा ये ग्लासेस के थ्रू दूर की चीजें देखेगा तब उसको क्लियर दिखेंगी वो। शर्त यह है, ये जो ग्लासेस बनाई हैं इसके अंदर ये जो दोनों लेंसेस लगे हैं वो कंकेव लेंस हो। कंकेव लेंस की शेप टीचर ने क्या बोला था, ऐसे सेंटर से पतला, साइडों से मोटा, सरकमफ्रेंस से मोटा, मैंने आपको दिखाया अभी था, तो लिख लो सारे बच्चे, शाबाश। कॉनकेव लेंस क्योर्स दी आई डिफेक्ट, कॉनकेव लेंस क्योर्स दी आई डिफेक्ट, नेमली मायोपिया, नेमली मायोपिया। When fitted in spectacles, when fitted in spectacles, चश्मा बना के हम यूज करते हैं बेटे। एक और वर्ड सुनो बेटे, वो सुनो ध्यान से क्या लिख रहा है टीचर, लुक एट दी स्पेलिंग, हाइपर मेट्रो, हाइपर मेट्रोपिया, ध्यान से सुनो, देखो टीचर ने ग्रीन कलर के बॉक्स में क्या लिखा है, ये जानते हो क्या होता है, ये होता है नजदीक की नजर कमजोर हो जाना। आमतौर पे ये देखा गया कि जब 40 इयर्स से ज्यादा उम्र हो जाती है तो लगभग 50% लोगों की नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है। फिर से सुन लो अच्छे से, अपनी आंखों का ख्याल रखा करो, रोज वॉश करा करो, 40 इयर्स के आसपास जब उम्र हो जाती है तो नजदीक की नजर लगभग 50% लोगों की खराब हो जाती है, नजदीक की, दूर का सही दिखता है उनको, यानी इससे अपोजिट। मायोपिया में क्या था, नियर थिंग्स आर सीन क्लियरली, फार थिंग्स आर सीन ब्लर्ड, BLURED, ब्लर्ड मैंने धुंधला होता है बेटे। और हाइपरमेट्रोपिया में अपोजिट है, फार थिंग्स आर सीन क्लियरली बट नियर थिंग्स आर सीन ब्लर्ड। इस आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस फिट करने पड़ते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के हमारे को लेंस के थ्रू देखेंगे तो हमें नजदीक की चीजें भी क्लियर दिखने लगेंगी। लिखो कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, शाबाश शाबाश। व्हेन फिटेड इन द स्पेक्टिकल्स या पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स क्योर द आई डिफेक्ट नेमली हाइपरमेट्रोपिया, आई रिपीट, व्हेन कन्वेक्स लेंसेज फिटेड इन द पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स
क्योर्स द आई डिफेक्ट नेमली हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। एक और बताऊं आपको बेटे, मजेदार शरारत वाली बात भी पता लगेगी। हम तो छोटे हुए करते थे, आप पता नहीं करते हो कि नहीं। देखो एक और बताता हूं आपको, अगर ये सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो इसके रास्ते में अगर कन्वेक्स लेंस रख दिया जाए, तो ये कन्वेक्स लेंस सनलाइट को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर देता है। और अगर इस सिंगल पॉइंट पे, जिसको हमने प्रिंसिपल फोकस करा था थ्योरी में, अगर हम यहां पर कोई ब्लैक कलर का पेपर रख दें, ब्लैक पेपर, तो उसको आग लग सकती है, बशर्ते कि हमारा लेंस हिले ना। इसका मतलब ये जो लेंस है, ये सनलाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, फोकस, सिकोड़ के केंद्रित कर देता है, केंद्रित। टेक्निकली इंग्लिश में कौन सा वर्ड बोला टीचर ने? कन्वर्ज, फोकस। ओके, तो आप बच्चे कहते सर ब्लैक पेपर ही, व्हाइट नहीं? व्हाइट वाले पतले कागज को भी आग लग सकती है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, लेंस को काफी देर तक पकड़ना पड़ता है। सर ब्लैक क्यों बोला आपने? ब्लैक इसलिए, ब्लैक कलर की एक खूबी होती है कि ये सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जितनी हीट पकड़ेगा उतनी जल्दी आग लगेगी। इसीलिए गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं डालने चाहिए, एक तो पहली गर्मी होती है, ऊपर से हम ब्लैक कपड़े डाल रहे। गॉट इट? तो बच्चे कह रहे सर इससे शरारत क्या? हम क्या करते थे छोटी क्लासों में, हमारे आगे जो बच्चा बैठा होता था ना, हम अपना मैगनेट ग्लास ले जाते थे, उसके ऊपर सनलाइट, उसका जैसे बाजू है, उसके सनलाइट पर ऐसे, उसकी बाजू के ऊपर ऐसे फोकस कर देते थे। वो थोड़ी देर बाद करता था, गर्म गर्म से क्या लग रहा है। और जब वो ऐसे करता था, हमें बड़ा मजा आता था, खिलखिलाकर हंसते थे हम बचपन में। राइट? सो यू कैन फोकस द लाइट एट ए सिंगल पॉइंट। कोई बच्चा कहता है सर प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी यूटिलिटी है? बिल्कुल है। मान लो आप एज ए टूरिस्ट, एडवेंचरस टूरिस्ट जंगल में गए, आपको वहां पर, या किसी सेमी फॉरेस्ट एरिया में घूमने चले गए, आपको वहां पर आग की जरूरत है, माचिस आपका गीला हो गया, मॉइस्चर पकड़ गया, लाइटर आपका ऑन नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? कहीं से सूखे पत्ते लेकर आओगे और इसी कॉन्वेक्स लेंस की मदद से सनलाइट को पत्तों पे फोकस कर दोगे। यू विल कॉन्सेंट्रेट कन्वर्ज द लाइट ऑन ए सिंगल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। विच लाइट? सनलाइट। वेयर ड्राई लीव्स आर प्लेस्ड, और के पत्तों को आग लग जाएगी, उसके बाद हम लकड़ी को आग लगा लेंगे, फिर हम खाना बना सकते हैं, जंगल में रोशनी कर सकते हैं। करेक्ट? अगर किसी बाहर से रोशनी करके गुफा वगैरह में जा सकते हैं, तो लिख लो आप शाबाश। कॉन्वेक्स लेंस इज यूजफुल फॉर इग्नाइटिंग द फायर ड्यूरिंग, कॉन्वेक्स लेंस इज यूजफुल फॉर इग्नाइटिंग द फायर ड्यूरिंग एडवेंचरस फॉरेस्ट टूर्स, ड्यूरिंग एडवेंचरस फॉरेस्ट टूर्स। ब्रैकेट में आप लिख दो, फोकसिंग लाइट ऑन ड्राई लीव्स, फोकसिंग सनलाइट ऑन ड्राई लीव्स। इस तरह से बेटे हमारे लेंसेज की यूटिलिटी खत्म हुई। कोई बच्चा कह सकता है सर आप प्लीज मेरे को एक बार बताओगे कि जी हमने कौन कौन से लेंसेज की यूटिलिटीज पढ़ी? हमने पढ़ी बेटे क्या? टेलीस्कोप। हमने क्या पढ़ा? माइक्रोस्कोप। हमने क्या पढ़ा? प्योर ऑफ मायोपिया। और क्या पढ़ा बच्चे हमने? हाइपरमेट्रोपिया। ऑफ हाइपरमेट्रोपिया।
और क्या पढ़ा? आई लेंस, आर्टिफिशियल आई लेंस बनाया था। और क्या पढ़ा बच्चे? इग्नाइटिंग फायर। अब इतनी सारी एप्लीकेशंस मैंने बताई, कोई एक एप्लीकेशन बता सकते हो किसके बिना? लेट मी आस्क सेवंथ ई रोहित और कलजिंदर। रोहित कलजिंदर प्लीज कम ऑन द माइक, शाबाश। सेवंथ ई रोहित कलजिंदर। बेटे जो टीचर ने एप्लीकेशन समझाई है लेंसेस की, इसके बिना आप और बता सकते हो कोई? मैंने एक बहुत आसान वाली एप्लीकेशन जानबूझकर छोड़ी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बताओ वो। नहीं बता पा रहे कलजिंदर, आप बता पाओगे बेटे? नो। चलो ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेस, व्हाट अदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यू हैव नोटिस्ड इन द डेली लाइफ? ऑफ इमेज, पार्डन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, बैठो बैठो बेटे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज तो बनता ही है सभी में, सभी में बनता। डिफरेंट आप एक चीज भूल गए बेटे, आप सभी ने देखा हुआ है। आपने देखा है कभी कभी लोग ऐसा एक डिवाइस पकड़ते हैं और ये पर्टिकुलर पर्सन यहाँ बैठा हुआ देख रहा है इसको, इसके हाथ में ये डायरेक्ट। पकड़ पकड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई न्यूज़ लिखी हुई सर है। मैग्नीफाइड ग्लास, यस यस यस, यही वर्ड तो मैं सुनना चाहता था। किसने बताया? ये जो ग्लास पकड़ा है ना, ये कन्वेक्स लेंस होता है बेटे, कन्वेक्स लेंस। लिख लो सभी बच्चे, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास किस किस के काम आता है? एक बच्चा कहता है सर एक तो आपने बता ही दिया, माइक्रो टेक्स्ट रीडिंग। माइक्रो टेक्स्ट रीडिंग, अगर कोई बारीक प्रिंटिंग हो रखी है उसको पढ़ना हो। बुजुर्ग लोग अखबारों की खबरें मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ते हैं। और कहां काम आता है बेटे जानते हो? यही मैग्नीफाइंग ग्लास रिस्ट वॉच रिपेयरर के काम आता है, रिस्ट वॉच रिपेयरर। जो घड़ियां ठीक करता है रिस्ट वॉच, क्यों? क्योंकि रिस्ट वॉच के मैकेनिकल कंपोनेंट बहुत ही महीन होते हैं, मिनिएचर। अब उनको अगर वो लेंस के थ्रू बड़ा करके नहीं देखेगा तो ठीक कैसे करेगा? और कहां पर काम आता है बेटे ये? ध्यान से सुनो, पीसीबी रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। मान लो मेरा मोबाइल फोन है, उसका स्क्रीन डिम लाइट दिखाता है। मैं रिपेयरिस्ट के पास गया, सर इसकी लाइट बड़ी डिम है, ब्राइट कर दो। तो वो अंदर से मशीनरी देखेगा तो उसके मोबाइल के कंपोनेंट तो बहुत छोटे छोटे हैं। फिर उसके एक अंदर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसका नाम होता है, ध्यान से सुनो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। लिख लो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसकी रिपेयर करनी पड़ती है तब जाके मोबाइल रिपेयर होएगा हमारा, ठीक है? और कहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास आ सकते हैं बेटे? ध्यान से सुनो, आपको शायद पता होना चाहिए, जो कढ़ाई का बिजनेस है, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी, वो जम्मू कश्मीर की लेडीज का, आधी लेडीज की इनकम का सोर्स है। घर में बैठे बैठे वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं लेडीज। तो एम्ब्रॉयडरी की बहुत महीन डिजाइन बनाना होता है उसमें धागे से, मल्टी कलर से, तो उसको बड़ा करके देखना पड़ता है उनको, तब भी ये मैग्नीफाइंग ग्लास काम आता है, एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट। हेल्पफुल टू एम्ब्रॉयडरी। मैग्नीफाइंग ग्लास का सीधा मतलब यह है छोटी चीज को बड़ा करके देखना, राइट? उम्मीद करता हूं आपको
एप्लीकेशंस समझ आई लेंसेस, जिन बच्चों को ये लेंसेस की एप्लीकेशन वाला आर्टिकल समझ आया वो बच्चे अपना राइट हैंड वेव करेंगे, शाबाश, लाइक दिस, राइट हैंड वेव करेंगे, आई वांट टू सी। अच्छा डाउन, जिनको ये नहीं समझ आया डाउन, इनमें से एक भी एप्लीकेशन नहीं समझ आई, वो अपना लेफ्ट हैंड वेव करेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, कोई सबको समझ आ गया, सो नाइस ऑफ यू, शाबाश। जो पॉइंट आपका रहता है लिख लो फटाफट। मैग्नीफाइंग ग्लास किसके लिए? टेक्स्ट रीडिंग, रिस्ट वॉच रिपेयरिस्ट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का, एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट, ये लिख लेना नाम। आप टीचर लिखने को क्यों बोलता है? बच्चा कहता है सर समझ तो आ गया, मैं याद रखूंगा। बेटे आप इतने छोटे बच्चे होते हो कि आपके पास वोकेबलरी नहीं होती। कई बार पेपर में ऐसा होता है कि आपको पॉइंट तो पता होता है लेकिन उसको लिखने के लिए आपको शब्द नहीं मिलते, टाइम वेस्ट हो जाता है पेपर में। ओके, तो क्योंकि आप बच्चे हो आपको ये वर्ड्स लिखने होते हैं। शाबाश, अब हमारा लेंस का टॉपिक खत्म हुआ, वी शुड मूव टू द असाइनमेंट ऑन लेंसेज। शाबाश, सभी बच्चे मॉड्यूल M3 पे आ जाओ, असाइनमेंट पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। लेट मी कॉल लक्षिता एंड मानवी ऑन माइक 7B। लक्षिता, मानवी 7B ऑन माइक। शाबाश बेटे, आर यू ऑन द माइक? लक्षिता बेटे, आपका क्वेश्चन है मॉड्यूल 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास? पर मैग्नीफाइंग ग्लास का मुख्य काम क्या है? क्या सूरज की लाइट को फोकस करना हीट के लिए, क्या छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखना, क्या दूर की चीजों को देखना, क्या प्रोजेक्टर इमेज बनाना स्क्रीन के ऊपर? याद रहे प्रोजेक्टर भी लेंसेज से बनता है। बता सकते? टू एनलार्ज एंड एनहेंस द व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे बड़ा काम इसका मैग्नीफाइंग ग्लास का यही है, टू एनलार्ज एंड एनहेंस द व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, सिट डाउन बेटे, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन का जवाब मेरे को मानवी देगी। बेटे आपने बताना विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स, एक्सेलेंट। दोनों बच्चों को फुल मार्क्स, शाबाश, प्लीज टेक योर सीट। दोनों बच्चों ने अच्छे से लेक्चर सुना। अब मेरे को बच्चा चाहिए 7D में, समर एंड जानवीर, प्लीज कम ऑन द बी माइक। 7D में समर एंड जानवीर आ ही नहीं रहे माइक पर। बेटे मेरा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन मॉड्यूल 3 में, द मेन फैक्टर दैट डिटरमिन्स द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस, इज इट्स मटेरियल, कलर, फोकल लेंथ, साइज। मैग्नीफाइंग ग्लास है जो वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है, इसके लिए उसका कौन सा गुण काम करता है? क्या उसका मटेरियल, क्या उसका कलर, क्या उसकी फोकल लेंथ, क्या उसका साइज? चारों में से नहीं, दोबारा बोलो, माइक ऑन करो पहले, फिर से बोलो। साइज साइज कह रहा है एक बच्चा लेंस का, और कोई बच्चा? फोकस लेंथ। फोकल लेंथ इज बेटर का आंसर, शाबाश। लिखो कि सभी बच्चे, फोकल लेंथ इज द मेन फैक्टर विच डिटरमिन्स द मैग्नीफाइंग लेंस, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इसके लिए मेरे पास 7G में दो बच्चे आएंगे, जितेंद्र एंड मानव, माइक पर, माइक पर। 7G, जितेंद्र एंड मानव, प्लीज कम, डोंट शाई, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा बेटे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या है क्वेश्चन, क्या है, ध्यान से सुनो बेटे।
मेरा क्वेश्चन दोनों बच्चों के लिए है, कॉमन क्वेश्चन है, जो जो भी जवाब दे सके दे पाएगा। जितेंद्र एंड मारव, लिसन, क्वेश्चन क्या फोर्थ। मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है बेटे, उसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यू का मतलब है 50 सेंटीमीटर। आपको पता है फोकल लेंथ का डबल क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम कर चुके हैं, मतलब 2 × 30 मतलब 60 सेंटीमीटर। ओके, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन हो गया हमारे लिए। अब क्वेश्चन क्या है, कहता अगर यू 50 सेंटीमीटर है तो मेरे को आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज में से कौन सा बड़ा होगा? विच वन विल बी ग्रेटर? दोनों बच्चों के लिए क्वेश्चन। शाबाश, क्वेश्चन समझ आया? फिर से बोल दो बेटे। इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा या इमेज का साइज बड़ा होगा अगर यू इतना हो, एफ इतना हो? अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने आपको लेक्चर दिया था तो बताया था ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर के साइज के होते हैं, कब कब होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? सब जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन होता है। अच्छा ना ना ना, वहां नहीं था, एक सिंगल पॉइंट पर था। मैंने बोला था आपको, ध्यान से सुना लीजिए। हाँ बिल्कुल सही, ये बच्चे ने, इफ यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर, ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज के बराबर, ये मैंने बताया था बराबर के ऊपर। लेकिन अब गौर से देखो, आर तो हमारा 60 सेंटीमीटर है और यू हमारा 50 है, ये दोनों अनइक्वल है, दीज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये दोनों बराबर तो नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। तो फिर कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, इसका क्या तरीका है? लिख लो सभी बच्चे, शाबाश। मैंने लिखाया था, आप ना रिवाइज नहीं करते बेटे, मैंने पॉइंट ये लिखाया था आपको। इफ यू इज लेस देन आर, लिख दो, इफ यू इज लेस देन आर देन वी इज ग्रेटर देन आर, एंड वाइस वर्सा भी होता है, V is greater than R। और याद रखना है, जब इमेज का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा हो जाए तो इमेज का साइज भी ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा हो जाता है, एंड इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। देखो हमारा यू कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा कि 50 सेंटीमीटर इज लेस देन 60 सेंटीमीटर। 60 किसकी वैल्यू है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। 50 किसकी है? यू की। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो इससे मैच होगी हमारी बात। ओके, यस यस और नो बोलो। तो यू हमारा आर से छोटा है, और क्योंकि कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, इसमें हमारा इमेज, हमने इसके गुण बताए थे, इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, अपराइट, अपसाइड डाउन। एक बच्चा मेरे से पूछते, सर अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे साइन को, आई सेड डू यू मीन किसी और क्वेश्चन के अंदर यू डैश इज ग्रेटर देन आर डैश, आप ये पूछना चाहते हो? बच्चा कहता हाँ जी सर, अगर यू डैश, देखो ये उल्टा हो गया साइन, यहाँ यू लेसर है, यहाँ यू ग्रेटर है, तब मैं कहूंगा बेटे यहां भी उल्टा हो जाएगा, वी डैश विल बी लेस देन आर, और क्या हो जाएगा, इमेज का साइज छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का साइज। देखो ये दोनों बॉक्सेस ध्यान से, दोनों में से एक याद करना, अगर दोनों याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे आप, कोई एक याद कर लो, चाहे ये चाहे ये, दूसरा तो अपने आप ही बन जाएगा। लिख लो सभी बच्चे, लिख लो। केस स्टडी, केस स्टडी जाएंगे हम, नहीं केस स्टडी नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे बेटे, बाकी फोर्थ के बाकी पार्ट आप करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे
वो कंकेव लेंस पे है इसी तरह से जैसे कॉन्वेक्स लेंस पे सेम डाटा दिया हुआ है। कॉन्केव लेंस पे, कॉन्केव लेंस पे तो टीचर ने हमेशा ही क्या बताया था, इमेज विल बी कॉन्केव लेंस के इमेज का क्या बताया था आपको, मेमोरी टूल। शाबाश, मेमोरी टूल कल क्या बताया था कॉन्केव लेंस का, इमेज की नेचर बताने वाला। हाँ तो हाँ बोलो बोलो, हम माइक पे आके बोलो बेटे तभी मजा आएगा। इमेज इज स्मॉलर। हाँ बिल्कुल सही, इमेज इज स्मॉलर और वर्चुअल के इरेक्ट रियल बेटे। देव कैरेक्टर्स। हाँ बिल्कुल सही, ये गुड़िया ने एक ही बात में बात बोल दी, शाबाश। डिमिनिश्ड इरेक्ट वर्चुअल देव बोल दिया इसने, ये मेमोरी टूल दिया था आपको। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। आई वॉन्ट टू आस्क रोहित फ्रॉम 7th E, इसी क्लास में कलजिंदर भी है एक बच्चा, कलजिंदर प्लीज कम ऑन द माइक, रोहित और कलजिंदर बेटे। 6th क्वेश्चन है आप आपके लिए है, यू आर प्रोवाइडेड ए कंकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कंकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, चारों चीजें दे दी। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन यूज इधर, एनलार्ज्ड इमेज देखना आपने क्या यूज करोगे। सी ऑप्शन। ऑप्शन में एनलार्ज्ड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। बेटे एनलार्ज अभी तो उस बच्चे का आपने सुना ही नहीं फिर आंसर, लेट मी मूव। ऑप्शन हाँ बी बोलना चाहिए था, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, देखो कॉन्वेक्स लेंस से हम लार्जर कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, अभी अभी बताया था ना कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कब लार्जर होता है, कॉन्वेक्स लेंस से। शाबाश, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइज से कब लार्जर होता है, अगर हमारा वी रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा हो जाए, लेकिन जैसे ही वी रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा होता है तो यू को रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होना पड़ता है, ये दोनों की अपोजिट नेचर होती है, यू बढ़ेगा तो वी कम होता है, वी बढ़ता है तो यू कम होता है, अपोजिट नेचर। बाकी जो हमारा ह्यूमन आई होती है ना बेटे, एक क्वेश्चन है इसमें मॉड्यूल 4 में फर्स्ट, मॉड्यूल 4 में फर्स्ट ह्यूमन आई में भी एक लेंस लगा होता है, कुदरत ने लगाया होता है, ये वाला लेंस कौन सा होता है कोई बच्चा बताएगा, देखें आपकी पर्सनल नॉलेज, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कौन बच्चा बताएगा इसको, ओपन क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस सर। कन्वेक्स लेंस। शाबाश, योर गुड नेम, चल दिशा शाबाश बेटे, सभी बच्चे लिख सकते हैं ह्यूमन आई, ह्यूमन आई क्या और भी जितने एनिमल है उनकी आई भी सारों में कन्वेक्स लेंस होता है। अब जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं वो कलर्स के ऊपर है बेटे, कलर्स के ऊपर। शाबाश, लिखोगे सभी बच्चे, नया टॉपिक शुरू होने वाला है, राइट डाउन हेडिंग, यू विल राइट डाउन व्हाइट लाइट एंड कलर्स, व्हाइट लाइट एंड कलर्स, छोटा सा ही टॉपिक है आपके सिलेबस के मुताबिक। शाबाश, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साइंस के अंदर व्हाइट को कलर नहीं कहा जाता, बाकी तो ठीक है, इंग्लिश में तो बोल देते हैं व्हाइट कलर, हम साइंस में हम कहते हैं व्हाइट तो एक कोई सिंगल कलर नहीं है बल्कि कई कलरों का मिक्सचर है। लिखो व्हाइट लाइट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स,
जानते हो वो कौन से 7 डिफरेंट कलर्स हैं? सभी बच्चे लिखेंगे उनके नाम। वी से वायलेट, इंडिगो, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन। सभी बच्चे लिखते जाओ फटाफट। वाई से कौन सा कलर हो सकता है? एनीबॉडी? येलो, येलो। ओ से? आर से? रेड। और अगर हम इनके फर्स्ट अल्फाबेट्स को पिकअप कर ले तो मेमोरी टूल बनता है विद विद ग्योर। शाबाश, फर्स्ट लर्निंग पॉइंट ये लिखा हुआ है। व्हाइट लाइट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, कंसिस्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग भी लिख दो, कंसिस्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। नेमली कौन से कलर्स बेटे? नेमली ये लिखे हुए था। मेरे को एक बच्चा कौन सा है ये? खुशप्रीत, 7th C। प्लीज कम ऑन द माइक, 7th C, खुशप्रीत। खुशप्रीत बच्चे, आप बोर्ड पे बिना देखे मेरी बैग पे छुप रखा है, क्या आप विबग्योर के सारे कलर्स के नाम बोल सकते हो? यस, बोलो बोलो फिर। सब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। ग्रीन के बाद नहीं बोला बच्चे आपने, भूल गए? येलो, ऑरेंज, रेड। समझदार बच्चा साथ की साथ याद कर लेता है। अच्छा एक बात और सुनो, अगर व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में मैं ब्रेक कर दूं, अच्छा 7 कलर्स में, ओके, मान लो मैं कामयाब हो गया 7 कलर में ब्रेक करके किसी भी तरीके से, मेथड बाद में बताऊंगा, तो व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट अप करने की प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा? उसका नाम होता है डिस्पर्शन। लिख लो सभी बच्चे, डिस्पर्शन इज द प्रोसेस। शाबाश, डिस्पर्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, नेमली विबग्योर, नेमली विबग्योर। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये 7 कलर एक कागज की शीट पे बना लूंगा और बढ़िया सा पैटर्न दिखेगा, तो उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? सातों कलर ऐसे दिख रहे हैं मेरे को, फर्स्ट क्लास ना, रेनबो में भी दिखते हैं आसमान में, यही 7 कलर होते हैं। उस पैटर्न को क्या बोलते हैं बेटे? लिख लो, पैटर्न ऑफ विबग्योर कलर्स, पैटर्न ऑफ विबग्योर कलर्स इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये वर्ड याद रखना है, स्पेक्ट्रम। प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्पर्शन। उसके रिजल्ट का क्या नाम है कागज पे जो बनाया? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। ओके, एक बच्चा कहता मेरे को, कहता है लास्ट क्लास में सर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ऐसे ऐसे कलर मिलाकर कभी व्हाइट बन सकता है? मेरे को कहता, मैंने कहा अगर प्रूफ दे दूं तो, कहता दो सर प्रूफ दो पहले तब मैं मानूंगा। 8th क्लास का बच्चा था किसी दूसरे स्कूल में। मैंने कहा लो अभी क्यों ना मैं आपको भी प्रूफ दे दूं। बेटे ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में देखो क्या है, इसमें 7ों कलर दिख रहे हैं आपको, देखो वही 7 कलर हैं, बल्कि दो बार बना रखे हैं। देखो स्पेक्ट्रम रेड से लेकर, मैं लेट मी मेक इट क्लोजर टू यू, मैं आपको, अब सारे बच्चे इस पे फोकस करो, मैं इसका बड़ा व्यू करके दिखाता हूं आपको। 7ों कलर दो बार दे रखे हैं सीक्वेंस वाइज, दिख रहे हैं?
सभी बच्चे लिख दो पहले तो, द सर्कुलर स्पेक्ट्रम डिस्क इज कॉल्ड एज न्यूटन डिस्क, इसका नाम न्यूटन डिस्क है। ये देखो आपको दिख रही है। अगर इन सातों कलर को मैंने व्हाइट बना के दिखाना हो तो क्या प्रूफ है? मेरे पास इसके पीछे मोटर लगी हुई है, मोटर को जैसे ही मैं ऑन करूंगा ना, ये सातों कलर मिक्स हो जाएंगे आपकी आंख में, सातों कलर साइमल्टेनियसली एंटर होंगे तो ये व्हाइट बन जाएगी। अब देखो मैं मोटर का बटन, ये रेड कलर का बटन है, मैं इसको ऑन कर दिया। सेल, एक मिनट, सेल नहीं है बच्चे, इसमें सेल दो, नहीं, दूसरा। इसका सेल निकाल दिया था, शरारत कर दी होगी, मैंने दोबारा से इंसर्ट कर दिया बेटे। अब मैंने इसका बटन ऑन करूंगा तो ये सातों कलर व्हाइट बन जाएंगे। मैं आपकी तरफ दिखाऊंगा अभी, देखो अभी सातों कलर दिख रहे हैं, आई एम स्विचिंग इट ऑन, देखो व्हाइट बन जाएगा एकदम से। हैव यू सीन, सातों कलर मिक्स हो गए तो कौन सा कलर बना? मैं इसी बटन को स्विच ऑफ करूंगा तो सातों कलर दोबारा दिखेंगे आपको। देखो जैसे ये डिस्क, न्यूटन डिस्क स्लो हो जाएगा, मैंने बटन को ऑफ कर दिया, ये सात कलर। हेलो, ठीक है, अच्छा लगा आपको? बेटे जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपने बाइक के जो व्हील्स होते हैं ना, व्हील्स जो टू व्हीलर मोटरसाइकिल के व्हील्स होते हैं, उसके व्हील कवर्स, वो मैंने यही डाल रखे। तो लिखो, आप लिखो, न्यूटन डिस्क प्रूव्स दैट, शाबाश, दो पॉइंट रहते हैं बस आज के। न्यूटन डिस्क प्रूव्स दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स, कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। ये देखो मेरे हाथ में क्या चीज, तो प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म, शाबाश। सभी कलर बच्चे देखो, इसको प्रिज्म बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, लास्ट पॉइंट है मैम। सर प्लीज, मेरे फर्स्ट पीरियड वाले टीचर का ना सिलेबस रह जाता है, वो फिर मेरे को बोलते हैं प्लीज थोड़ा सा टाइम से। आई नीड ओनली 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स। राइट, बट थोड़ा सा आप देख लिया करो, 9:20 हमारा पीरियड ना खत्म हो जाता है, ठीक अच्छा, है? मेरे को था कि 9:30 पर होता है। ओके मैम, नाइन सो ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी दैट वाज द कंफ्यूजन इन माय माइंड, बट नेक्स्ट टाइम में नहीं, नाइन इट्स 9:20 ट्वेंटी सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम 9:20 पे करेंगे। अभी मेरे को आप 2 मिनट प्लीज स्पेयर करें, प्लीज, ओनली 2 मिनट्स। बेटे ये प्रिज्म देखो, इसको बोलते हैं प्रिज्म जो टीचर ने दिखाया। इसके फ्रंट पे ये ट्रायंगुलर होता है, बैक पे भी ट्रायंगुलर होता है, और साइड पे रेक्टेंगुलर होता है। फेस रेक्टेंगुलर, फेस रेक्टेंगुलर, फेस रेक्टेंगुलर, थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस और टू ट्रायंगुलर फेसेस, और इनके मिक्सचर की जो ग्लास स्ट्रक्चर बनेगी, ग्लास स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। इस प्रिज्म का काम क्या होता है, बस ध्यान से सुन लो। ये प्रिज्म है, लास्ट पॉइंट बेटे हैं, यहां पर मैंने व्हाइट लाइट थ्रो करा बल्ब से, कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट। तो प्रिज्म के अपोजिट जब लाइट्स निकलती है ना यहां पर, तो सेवन कलर्स निकलेंगे। बस ये लिख लो सभी बच्चे, प्रिज्म इज यूज्ड टू स्प्लिट दी व्हाइट लाइट इंटू सेवन कंस्टिट्यूटिंग कलर्स, इंटू सेवन कंस्टिट्यूटिंग कलर्स, नेमली विबग्योर। इसकी खास बात है, नीचे से ऊपर को लिखना है स्पेलिंग, ये याद रहे, नीचे से ऊपर ऊपर को। प्रिज्म इज द डिवाइस विच कैन स्प्लिट द व्हाइट लाइट इंटू सेवन कंस्टिट्यूटिंग कलर्स, नेमली विबग्योर। और आखिरी दो वर्ड आज के, प्रोसेस का नाम डिस्पर्शन।
और ये जो सेवन कलर का पैटर्न बना उसका नाम स्पेक्ट्रम। ये दो वर्ड बहुत खास है। इंस्ट्रूमेंट का नाम प्रिज्म। लो बेटे आज का लेक्चर ओवर हुआ। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग सर, मी 2-3 मिनट्स। थैंक यू स्टाफ फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन।